हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूड चैनल ज्योति का जायका। आज हम बनाने वाले हैं मेथी के पकोड़े। वैसे तो मेथी के पकोड़े हर किसी के घर में बनते हैं, पर बाजार जैसे सॉफ्ट एंड जालीदार कैसे बनाना है ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी के पकोड़े। मेथी के पकौड़ों के लिए हमें चाहिए बेसन, बारीक कटी हुई मेथी, नींबू का जूस, हरा धनिया, इनो पाउडर, हरी मिर्च, लहसुन, नमक, पानी एंड ऑयल। सबसे पहले हमें एक बाउल में 250 ग्राम बेसन, दो कटोरी बारीक कटी हुई मेथी जिसको हमने पहले से ही धो के साफ कर लिया है, एक कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो बड़े चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, दो बड़े चम्मच बारीक कटे हुए हरी मिर्च, 1/3 कप नींबू का जूस डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकौड़े के लिए बैटर रेडी करना है। ध्यान रखिए इसमें लम्स ना रह जाए, बिल्कुल सॉफ्ट बैटर बनाना है। पकौड़े के लिए हमें थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे थिक कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी होने के बाद सबसे लास्ट में हमें एक बड़ी चम्मच इनो पाउडर डालना है और इसको अच्छे से मिला लेना है। इनो पाउडर से हमारा बैटर बिल्कुल हल्का एंड फ्लफी हो जाता है, जो हमें पकोड़े को सॉफ्ट एंड जालीदार बनाने में मदद करता है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के इनो को अच्छे से एक्टिव कर लेंगे। इसको हमें 2 से 3 मिनट तक फेंटना है। तो तैयार है हमारा पकोड़े के लिए बैटर। अब हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे। ऑयल गरम होते ही बैटर का थोड़ा सा पोर्शन हम ऑयल में डालेंगे। अगर बबल होते ही बैटर ऊपर आ रहा है तो समझिए कि ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हमें सारे पकौड़ों को तलना शुरू करना है। पकौड़े की साइज आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। जालीदार एंड सॉफ्ट पकौड़ों की एक निशानी ये भी होती है कि अगर आपका पकौड़ा एक तरफ पक चुका है तो दूसरी तरफ खुद ब खुद पलट जाएगा। हमें पकौड़े को लो से मीडियम फ्लेम पे लाइटली ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। धीरे धीरे हमारे पकौड़े लाइटली ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए। अब हमें इसमें से अच्छे से ऑयल स्ट्रेन करना है और इसको हमें एक बाउल में निकालेंगे। सेम प्रोसेस से हमें पकौड़ों को अच्छे से डाल के फ्राई करना है। बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो अब हमारे सारे पकौड़े फ्राई होके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो तैयार है हमारे मेथी के पकौड़े। मेथी के पकौड़े आप ग्रीन चटनी या इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।